लॉकडाउन के बावजूद भी बेगूसराय में अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधियों ने दिन दहाड़े भाजपा युवा नेता के महामंत्री धीरज भारद्वाज की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यही नहीं, धीरज के दो साथियों को भी अपराधियों ने गोली मार दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केतमा गांव की है। इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक युवक की पहचान केतमा निवासी धीरज सिंह के रूप में की गई है। वहीं घायल युवक की पहचान अनिल कुमार एवं बिट्टू कुमार के रूप में की गई है। अपराधी गोली मारकर फरार हो गया है। मृतक धीरज सिंह अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ खड़ा था। उसी दरमियान अपराधियों ने दोनों को गोली मार दी। फिर वहां से अपराधी भागने के दौरान रास्ते में ही बिट्टू को भी गोली मार दी। गोली से तीनों घायल व्यक्ति को आनन फानन में इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दरमियान धीरज सिंह की मौत हो गई। वहीं बिट्टू एवं अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अपराधियों ने क्यों तीनों व्यक्ति को गोली मारी है। एसपी अवकाश कुमार ने कहा कि तीन व्यक्ति की गोली लगने की सूचना मिली। यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि अपराधी किस लिए तीनों व्यक्ति को गोली मारी है। जांच की जा रही है। फिलहाल मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घरेलू विवाद में युवक ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। पटना जिला के रानी तालाब क्षेत्र स्थित नवाबगंज गांव में युवक ने घरेलू विवाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने युवक का शव फंदे से लटका हुआ बरामद किया। वहीं पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों बिंदुओं पर जांच में जुट गई है। पालीगंज डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिलते ही मृतक के घर पहुंचे, जहां युवक का शव रूम में लटका पाया। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि युवक के आत्महत्या किया है या फिर हत्या का मामला है, इसकी जांच की जा रही है। वहीं सबको पोस्टमार्टम के लिए पालीगंज अस्पताल भेज दिया गया है। विक्रम से नीरज कुमार की रिपोर्ट। कैसे इनका मौत हुआ? ये तो गांव घर लोग जीता देखा, वो गर्दन में रस्सी लग गया था, वो बांस में लटके हुए हैं, कि मैं करकट वाला जो बाइक होता है उसमें। अच्छा, तो क्या माने कि ये अपने आत्महत्या की है? अपने आत्महत्या। तो क्या कुछ हिसाब वजह था? कारण क्या होता नहीं बता सकते, इसलिए कि हम लोग कुछ न सुने न देखे। क्या इनका शादी उदी हो गया है? शादी हो गया। पत्नी है? बाल बच्चा भी है। अच्छा अच्छा। पत्नी भी है, सिगोरी में शादी है, नवाबगंज इनका घर है। तो यहाँ पुलिस जाकर शव को जब्त किया है? हाँ, पुलिस को खबर किया गया। पुलिस गया, देखा, वो मैंने कुछ कुछ लिखा पढ़ा, उसके बाद इसे करवाया। जो मोबाइल था मतलब मोबाइल भी। अब सिगोरी फोन किया गया, आदमी नहीं आया टाइम पर, थोड़ा देर हो गया, पुलिस संचार के उतार के रखवा दिया। सर एक मामला आया है रानी तालाब थाना के, कोई सुसाइड या कोई शव मिला है, क्या उस मामला का? जी बिल्कुल, रानी तालाब थाना अंतर्गत इकबालगंज निस्तरपुरा गांव में एक व्यक्ति का शव हम लोग को मिला है। ये हत्या है या आत्महत्या, इन बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। पोस्टमार्टम हम लोग करवा रहे हैं और उसके बाद जो भी विधिसम्मत प्रक्रिया है उसको हम लोग फॉलो करेंगे।